नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी राजनेता का नहीं है, किसी बदमाश या लफंगे का भी नहीं है। ये वीडियो है एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी का, वो भी एक महिला आईएएस अधिकारी। इसी सीनियर महिला आईएएस का विवादित एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मंगलवार को महिला एवं बाल विकास निगम यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सशक्त बेटी समृद्ध बिहार टूवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड में बिहार काडर की सीनियर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ब्रह्मरा ने छात्रा के स्कूल में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के सवाल पर कहा कि लोगों की मांग का कोई अंत नहीं है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। महिला आईएएस अधिकारी ने कहा कि आज सैनिटरी पैड की मांग कर रहे हैं, कल कॉन्डम मांगेंगे। बच्चों के इस अवेयरनेस वर्कशॉप में ये क्या बच्चों को इसी तरह से अवेयर करने आई थी? मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बचा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं दे सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की सरकार के हित में, जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं होगी। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है इतना अच्छा से? क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में क्यों जाओ? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो? दरअसल अवेयरनेस वर्कशॉप में हिस्सा ले रही एक छात्रा ने सवाल किया था कि बिहार के स्कूलों में क्या सरकार 20 रुपए का सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं करवा सकती। इस सवाल पर महिला आईएएस के तेवर बदल गए और फिर उनका जो जवाब था उससे वर्कशॉप में मौजूद सभी लोग असहज हो गए। आईएएस हरजोत कौर यहाँ तक बोल गई कि सरकार से लोग बहुत कुछ मांगना शुरू कर देंगे, कल जीन्स की मांग उठने लगेगी, फिर सुंदर जूते मांगने लगेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसे अगर मांग जारी रहेगी तो लोग मुफ्त में निरोध भी मांगने लगेंगे। आपको बता दें कि वर्कशॉप का आयोजन लैंगिक असमानता के खिलाफ चल रही सरकारी योजनाओं से स्कूली छात्रों को परिचित कराना था, लेकिन जब उन्होंने महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा से सवाल पूछे तो इस प्रकार के विवादित जवाब मिले। वायरल हो रहे वीडियो में महिला अधिकारी छात्राओं के सवाल का ऐसा जवाब दे रही हैं जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।